जिंदगी एक दस्तक से दूसरी दस्तक तक फैली हुई थी। इधर आओ मेरे पास। तुम्हें क्या लगा मैं गिर जाऊंगी? जी तुझे पता है ना तेरे पास कितना वक्त है। जी डोरी खोलो। अरे खोल ना। तुझे तिल पसंद नहीं आया? अरे लोग तो इस पर मर मिटे हैं, तुझे कुछ नहीं हुआ? बड़ा चिकना है रे तू, चला बैठ। अरे तूने सुना नहीं? आ बैठ ना। नहीं, मैंने तो आपके हुस्न की तारीफ सुनी थी, सोचा जाकर आपको देखूं, आपसे बातें करूं। मेरे माथे पे चे लिखा है, यहाँ ना तो कोई हुस्न की तारीफ करने आता है और ना ही बातें करने। नगीना साहिबा, आपका मूड अचानक खराब क्यों हो गया? ये जहर पीकर क्यों अपने अंदर छुपी मासूम लड़की को मारना चाह रही हैं? अरे हिम्मत कैसे हुई सिगरेट फेंकने की? शायद आप भूल रही हैं कि मैंने इस वक्त की कीमत अदा की है और वो ही होगा जो मैं चाहूंगा। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझ पर अपनी मर्जी मुसल्लत करो। मैं पहले ही तुम्हारी बातों की वजह से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। क्या वो मासूम बच्ची जिसका मैंने जिक्र किया कहीं वो तो बेचैन नहीं कर रही? अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कुछ खा पी कर आए? नगीना साहिबा, मैं यहाँ बुरी नीयत से नहीं आया, मेरा मकसद सिर्फ आपको देखना और आपसे बातें करना है। कोई नहीं आता यहाँ हुस्न देखने बातें करने, यहाँ पर कुत्ते बिल्ले भेड़िए और गिद्ध आते हैं जो चंद हजार की खातिर कोष नोचते हैं, अज़ियत देते हैं। उनका बस नहीं चलता कि वो हमारी हड्डियां चबा जाए और तुम हुस्न की बात करते। नगीना साहिबा, इस कमरे से बाहर की दुनिया का भी कुछ पता है आपको? क्या हो रहा है इस मुल्क में? मुझे तो बस इतना पता है
कि एक बच्ची जो अपने